अब हम जा रहे हैं गॉथिक क्वार्टर। तो गॉथिक होता है डार्क होता है, नवांकुर क्या होता है गॉथिक का मतलब? डरावना, डार्क, अंडरग्राउंड, सीक्रेट्स वाला, जैसे सिद्धू मूसे वाले है ना, डार्क लव। She from Spain, hold on, speak no English, but she know about the game. Book a flight, I'm feeling like I'm ready for the fame. What do I know? All I line up. Overnight, what a ride, what a time. She from Spain, hold on, speak no English, but she know about the game. Book a flight, I'm feeling like I'm ready for the fame. What do I know? All I line up. Overnight, what a ride, what a time. Running at it like a track star. If I get where I started, I run it back. And when I pull out, it's like NASCAR. And I might turn that boy to a running back. It's all working is I get to the bands. I call her like, yo, need no money back. We sound like a limb, we serving like him. It's time for a change like some. यार मैंने ना पूछा था Instagram पे लोगों से कि भाई बताओ क्या क्या जगह जाना चाहिए बार्सिलोना में। तो काफी लोगों ने बोला था तिबी ताबो। तो मैंने कहा पाजी को, मैंने कहा भाई तिबी ताबो जाना है अब। तो अभी हम वही पहाड़ चढ़ रहे हैं। अब पता नहीं तिबी ताबो क्या है, मैंने गूगल भी नहीं करा कि तिबी ताबो है क्या। तो पाजी बोले कि हाँ अच्छी जगह चलते हैं। तो बस अभी आज गाड़ी लेके चढ़ रहे हैं पहाड़ पे। इधर अच्छा व्यू है, आएगा हाँ वो रहा, ये देखिए। बाकी ऊपर से जाके दिखेगा व्यू, जो भी दिखेगा वो करेंगे। तो ये दिखाया है पहला व्यू तिबी ताबो का, यही है तिबी ताबो। जी जी, वो प्लेन जो है ना, वो यार ऊपर की क्राइस्ट द रिडीमर ऊपर है। अरे वो देखो यार, यहाँ पे क्राइस्ट द रिडीमर भी है। बता डॉक्टर, फायदा क्या तुझको जाने का ब्राजील जाने का? यहीं पे दिख लेता वही तो। पैसे मेरा तो यहीं पे हो गया, मैं नहीं जा रहा ब्राजील। और डॉक्टर मैंने सुना है तू 5 दिन सोया रहा था ब्राजील में, जा ही नहीं पा रहा था तू रियो, इसमें क्राइस्ट द रिडीमर पे। डरा हुआ था मैं, डरा हुआ था। तो ये री चर्च है जो, और यहाँ पे यार काफी सुंदर नजारा है। वो सामने समंदर है, मतलब पता नहीं इसमें दिख रहा है नहीं दिख रहा आप लोगों को, बट काफ़ी सुंदर। थोड़ा सा सनलाइट कम हो जाए ना फिर दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ये तो है ही, और साथ में एक अम्यूजमेंट पार्क भी है, लेकिन वो आज बंद है, पता नहीं क्यों बंद है। बस आते हैं यहाँ तक। अच्छा यहाँ तो बस आती है, ओके ओके ओके। तो हाँ, तो गाड़ी नहीं है बस, तो बस से भी आ सकते हो। ये चर्च आ सकते हैं इसके अंदर हम? ये खुली है, बंद है? एक चीज मैंने यहाँ पे आके देखी, इसका नाम तिबी ताबो नहीं है, तिबी दाबो है, TIBIDABO। तो यहाँ बस भी आती है, आप आराम से बस से यहाँ पहुँचेंगे, आप यहाँ तो उतारेगी बस। ये चर्च है और सामने अम्यूजमेंट पार्क है, और सुंदर नज़ारे तो हैं ही। यहाँ तो आता बड़ा अच्छा है, ये तो घना अच्छा है ना। ये तो बहुत सही है यार, वो ना? पूरा शहर दिख रहा है यहाँ से। हाँ, वो नहीं, जो जो हम कल गए थे, क्या जगह का नाम था? मोनजोई, उससे अच्छा लग रहा है मेरे को ये ज्यादा। तो अगर आपके पास टाइम कम है तो मोनजोई छोड़ के यहाँ पे आ जाओ तिबी ताबो इस बस से। तो यार एक यहाँ पे बहुत फेमस हस्ती है गौदी, गौदी करके, वो जब हमने दिखाया था ना वो चर्च दिखाई थी जो बन रही है 150 साल से, वो भी उसने 50 साल उसमें लगाए थे। तो वही भाई साहब का यहाँ पे गांव है। क्या स्टोरी, क्या ये गांव पूरा उसने बनाया था? हाँ, ये उसने डिजाइन किया था। Okay. उसने डिजाइन किया था, जैसे यहाँ पर फैक्ट्रीज थी पहले। हाँ। जो हाथ से ऊन वगैरह से चीजें बनती थी ना। ओके, ओके, ओके। वो उन्होंने फिर उस स्ट्रक्चर को चेंज नहीं किया, वो सारी उसमें घर बना दिए। तो इसको क्या बोलते हैं, गौदीज विलेज, कॉलोनिया ग्वेल, या गौदी, ये है कॉलोनिया ग्वेल, कॉलोनिया ग्वेल, कॉलोनिया ग्वेल सर्च करके पा सकते हैं। यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी आता ही होगा ना? हाँ। ठीक है, तो भी जाके देखते हैं क्या है इसके अंदर। अच्छा, सब घर है और सब खासे हैं पुराने स्टाइल के। ओके ओके, तो ये यहाँ पे जो 100 घर हैं, 100 घर हैं, तो बस उनमें लोग रहते हैं, कोई दुकान नहीं है कोई भी। तो कहाँ जाते हैं फिर? ये है तो है इको मार्केट।
कितना लगा मैं आने में? एक घंटा, आधा घंटा, आधा घंटा, आधा घंटे में ना। अच्छा पहले बता रहे थे मेरे को पाजी की यहाँ पे जो घड़ों तो यहाँ पे जो जो घर है उनको खरीदने के लिए मतलब वेटिंग चलती है, है ना? मैंने मतलब किसी के लिए पता करना था यहाँ पर जो इनकी सिटी काउंसिल है ना नेक्स्ट विलेज में, तो उन्होंने बोला कि यहाँ वेटिंग चल रही है। ओके, अगर कोई घर सेल पे होगा देन वी विल कॉल इट। अच्छा ओके ओके। और मतलब क्या बहुत महंगे घर है यहाँ पे? नहीं, जैसे ये जो घर है ये अगर 80 स्क्वायर मीटर होगा इसके अंदर 3 कमरे होंगे, ये घर होगा 1,60,000 यूरो का। अच्छा चलो, मतलब 1.5 करोड़। 1.5 करोड़ तीन साल से गाड़ियाँ हैं। ये देखो, ये कोई इनका मेन स्क्वायर था, यहाँ पे कैफे है, तो यहाँ कॉफ़ी भी नहीं आया, लेकिन देखिए कितनी शांति है, कोई है ही नहीं, बिल्कुल सुनसान। हाँ जी, तो भाई आज है लास्ट दिन नवांकुर का बार्सिलोना में, ये जा रहा है करने स्काई डाइविंग। ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा जी रहा है वैसे, है ना? वहाँ से मिली कैटरीना का, और पंजाबी लोग धोखा दे रहे हैं अपने दोस्तों को। अबे मैंने बस ये अभी सीन ये हो रहा है कि ये जाएगा कहाँ, क्या नाम है, सेविली, ल बोलते नहीं शायद, सेवी क्या बोलते हैं, नहीं बोलते। चलो ये वहाँ जा रहा है, वो बहुत साउथ में है, और फिर मैड्रिड आएगा। तो मैंने कहा भाई तू हुआ, मेरे को तो मिल नहीं रही स्काई डाइविंग फ्री में, तो मैं तो नहीं करूँगा, 200 यूरो की है, तो 240 यूरो की है, तो मैं कहा मैं तो करूँगा नहीं, तू कर ले और फिर हम मिलते हैं मैड्रिड में। तो ये वहाँ से घूम के आएगा, मैं एक दिन और रुकूंगा। कमेंट करके धोखेबाज उसे मिलना चाहिए। मैं आया ना बार्सिलोना इसके वीजा के लिए। एक दिन ही तो है हुआ, मैड्रिड में मिलते हैं इसके बाद। तो अभी आज हम जा रहे हैं गॉथिक क्वार्टर्स। कल मैं गया था ऐसे इधर उधर घूमने, एक गेट था मतलब आर्क, आर्क दी ट्रंप बोलते हैं उसको, थोड़ा सा घूमा मैं, खाना वाना खाया कुछ स्पेशल यहाँ का। तो आज हम कुछ खाने आए थे यहाँ पे स्पेशल, हाउ डू यू से दिस, पाएया। सो लेकिन उसमें एल लाइक द एल इज साइलेंट, यू डोंट से द एल, लाइक व्हेन यू राइट, यू राइट PAYALLA बट यू डोंट से द एल। हाँ हाँ, ओके ओके। तो चावल है उसमें थोड़ा सी फूड डाला हुआ है, खा के देखते हैं कैसा है। सो यार मतलब चावल ही है जो खाने लायक है, बाकी तो सी फूड है, तो मेरे को तब पसंद नहीं है सी फूड, बट अगर आपको पसंद है सी फूड श्रिम्प वगैरह तो अच्छा लगेगा आपको, मेरे को नहीं लगा इतना अच्छा। अभी आज हम जा रहे हैं गॉथिक क्वार्टर्स। तो गॉथिक क्वार्टर्स पहुंचने से पहले ही हमें ये दिख गई यहाँ की जो मेन चर्च है। तो बताया था मैंने आपको जो वो एक जो एक और चर्च थी जो 1.5 साल से बन रही है, वो उसमें मैंने मेंशन किया था आपको कि लोग सोचते हैं कि भाई ये मेन चर्च है, अगर वो बन गई तो इसी कम हो जाएगी वैल्यू। तो देखते हैं मेन चर्च कैसी है। यार वो देखो कुछ लोग तो जा रहे हैं अंदर, लेकिन हम गए तो बोले कि अभी विजिट्स नहीं है, मे बी अभी प्रेयर्स चल रही हैं, तो 2 बजे के बाद है, तब तो निकल जाएगा भाई, बाद में आएंगे। अब चलते हैं गॉथिक क्वार्टर्स। तो यार अब हम जा रहे हैं गॉथिक क्वार्टर्स। तो गॉथिक होता है डार्क होता है, क्या होता है गॉथिक का मतलब? डरावना, डार्क, अंडरग्राउंड, सीक्रेट वाला, जैसे सिद्धू मूसे वाले है ना, डार्क लव। तो मतलब सुना बहुत है इसके बारे में कि ये जगह अच्छी है, तो वाइब्स तो आ रही हैं ऐसी जी, बाकी आप देखिए आपको आती वाइब्स के नहीं। तो ये इनकी कोई पुरानी घड़ी है, पता नहीं कितने इसमें वो लगे हैं एक्सेल, टाइम वही दिखाती है। Thank you.
यार, मतलब गॉथिक का मतलब तो डरावना ही होता है, बट कुछ गॉथिक लग नहीं रहा है यहाँ पे, मतलब थोड़ी सी वाइब्स ऐसी हैं कि डरावनी नहीं है, मतलब बाकी कलरफुल है, मतलब हिप्पी सी वाइब्स हैं, लेकिन डरावनी तो नहीं है। मे बी गॉथिक का जगह में मतलब डरावना लग रहा तेरे को ये? हाँ सही बोल रहा है, सही बोल रहा है। ब्राउन ये शैतान का संकेत है। 666 भाई दिन में कोई नहीं है, आप सोच रात को तो कोई नहीं होता होगा, पर लोग रहते तो होंगे इसमें ये सब घरों में, तो होता क्यों नहीं होगा रात को फिर कोई। और ने ब्लॉक कर दा। यहाँ पे ये रिक्शे वाले बहुत हैं और मोस्टली अपने ही लोग हैं, पाकिस्तानी हैं, इंडियन हैं। कल भी जैसे अभी जा रहा है बंदा, जा रहा है वो दूर से, तो उसने पूछा कि आज पाजी चलिए और क्या तो और जो जो कल भी मैं घूम रहा था तो कल भी एक बंदे लगा रखे, गाने लगा रखे थे एपीटी लोगों के स्पीकर पे फुल वॉल्यूम, तो काफ़ी अपने ही लोग हैं, देसी लोग हैं यहाँ पे बहुत सारे। यार यहाँ पे घर तो बहुत सुंदर है लेकिन यहाँ पे धूप बिल्कुल नहीं आती होगी, कपड़े सुखाने मुश्किल हो जाते होंगे, है नहीं डॉक्टर? यार ये यहाँ पे एक और ला रामला स्ट्रीट है, मतलब अच्छी स्ट्रीट है, पेड़ वेड़ हैं, अच्छे लगे हुए हैं, थोड़ा माहौल अच्छा है। यहाँ पे भी लोग बोलते हैं कि आना चाहिए, ठीक है, हमें तो रास्ते में पड़ती है हॉस्टल के, तो हम तो रोज ही आ जाते हैं। तो यार गॉथिक क्वार्टर्स में अभी हम रात को आए, तो अब लग रहा है ये गॉथिक, अब लग रहा है थोड़े से डार्क से, ये वही चर्च है। और यहाँ पे क्या बता रहे थे भाई साहब आप कहानी मुझे? मतलब यहाँ पर जो लोग आते हैं ना इसको हाथ लगाते हैं फॉर द सेक ऑफ जस्टिस। अच्छा, I mean, I don't know the depth of explanation of this. ये है कि तो हमारे साथ आज फिर हैरी पाजी आ गए दोबारा से, तो ये बता रहे थे कि इसको हाथ लगाओ तो मुझे जस्टिस मिलेगा। There's a story behind नहीं, तो स्टोरी यही है कि इसको हाथ लगाओ तो आपके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, तो डू सब्सक्राइब। ये यहाँ पे मैंने देखा पान्स एंड कंपनी, मुझे लगा अपने वाला पान है, बट यहाँ पे ब्रेड को पान बोलते हैं इसलिए पान्स एंड कंपनी। तो यार यहाँ पे लिखा है लिबर्ता दी ओपिनियो ई दी एक्सप्रेसियो, तो मुझे बताया पाजी ने अभी कि, तो फिर मेरे दिमाग में चमका कि हाँ ये लिखा है लिबर्ता मतलब लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन। यस, है ना? एब्सोल्युटली राइट, आपको स्पेनिश आ गई है अभी। तो यार इस स्क्वायर पे गॉथिक क्वार्टर्स में हम दिन में भी आए थे लेकिन रात में अलग ही फील है, तो आई सजेस्ट कि आप रात में भी जरूर आए। वो तेरा पला हो जाए, यूनिटी है मतलब। तो यार गॉथिक का मतलब वो डार्क वाला तो है ही, लेकिन एक और मतलब होता है, वो होता है जो वेस्टर्न यूरोप का स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, जो अगर बोलते हैं गॉथिक आर्किटेक्चर तो मतलब वेस्टर्न यूरोपियन, उस तरीके से, उस तरीके की आर्क्स और वो सब। तो मे बी इसका मतलब वो डार्क वाला नहीं है यहाँ पे, इसका मतलब है आर्किटेक्चर से, तो जो गॉथिक क्वार्टर्स है मतलब कि वेस्टर्न यूरोपियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। पता नहीं क्या चल रहा है यार।